दोस्तों भगवान शिव सभी प्रकार की बुराइयों का विनाश करते हैं। उन्होंने अपने भक्तों को बचाने के लिए कई ऐसे रहस्य उद्घाटित किए जिसका अनुसरण करने पर मनुष्य तमाम प्रकार के दुख, असफलता, पाप, दुर्भाग्य व बुराइयों से बच सकता है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको माता पार्वती व महादेव के बीच हुआ एक ऐसा संवाद प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसे सुनकर निश्चित ही आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ताकि आगे भी आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, इस संसार में अनेक धर्म है। यहाँ पर कोई खुद को हिंदू तो कोई खुद को मुसलमान कहता है। आप चाहे किसी से पूछें, वो खुद के धर्म को श्रेष्ठ बताता है। लेकिन क्या आपके मन में कभी प्रश्न उठा है कि वास्तव में किसी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है जिसके आधार पर उसे परम की प्राप्ति हो सके, वो संसार के तमाम प्रकार के झंझटों से ऊपर उठकर मोक्ष को प्राप्त कर सके। ठीक यही प्रश्न माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था। उन्होंने कहा, भगवान कृपा करके आप मुझे बताइए कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है, सांसारिक मनुष्य को कौन से धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान ने कहा, नास्ति सत्यात् परो नान्द्रतात् पातंग परम, अर्थात मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना, सत्य का साथ देना व किसी भी हाल में सत्य के मार्ग पर चलना। और दोस्तों शिव जी की कही ये बात काफी हद तक सही भी है। शास्त्रों में सत्य को ही ईश्वर व ईश्वर को ही सत्य बताया है। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है अंततः उसे परम पद की प्राप्ति होती है। वो कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। लेकिन दोस्तों वे लोग जो मिथ्याभाषी हैं, असत्य के मार्ग पर चलते हैं, वे चाहे किसी भी धर्म के हो कभी उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। चलिए अब बात करते हैं अगले रहस्य की। दोस्तों गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म के संदर्भ में अनेक रहस्य उद्घाटित किए। वे कहते हैं संसार का कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता और इन्हीं कर्मों के आधार पर मनुष्य अपने जीवन में सुख अथवा दुख भोगता है। संभवतः इसी वजह से कर्म की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। वैसे कर्मों के संबंध में माता पूछती है, प्रभु हमें कर्म के संबंध में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस भाव में रहते हुए कर्म करना चाहिए। शिव जी कहते हैं, आत्म साक्षी भवे नित्य मात्मनुस्तु शुभाशुभ है, अर्थात जब भी हम कोई कर्म करें उस समय हमारे मन में साक्षी भाव होना चाहिए। साक्षी यानी कि दृष्टा, यदि संक्षिप्त में कहें तो हमें खुद के कर्म का खुद ही गवाह बनना चाहिए। कर्म करते समय ना तो हमें उसके प्रतिफल के बारे में विचार करना चाहिए और ना ही कभी लाभ हानि के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य साक्षी भाव से करते हैं तो हमारे अंदर बैठा परमात्मा किसी भी हाल में उस कार्य को सिद्ध कर हमें सुखद परिणाम प्रदान कर देता है। चलिए अब बात करते हैं अगले रहस्य की। माता ने प्रभु से कहा, नाथ अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा कर्म है जो मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। शिव जी ने कहा, मनसा कर्मणा वाचा नाचा काढ़ क्षेत्र पातकम, अर्थात किसी भी मनुष्य को मन, वाणी और कर्म से पाप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि पाप और पुण्य क्या है ये तो हम सभी को पता है, लेकिन ये पाप कब हमारे मन में जन्म लेकर हमसे दुष्कृत्य करवाता है हमें पता ही नहीं चलता है। और यही बात भगवान शिव उपरोक्त श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। वे कहते हैं, पाप का भाव सबसे पहले मनुष्य के मन में आता है, किंतु फिर भी बहुत से लोग उसे मन में पोषित होने देते हैं। वे मन ही मन दूसरों के अहित की कामना करते हैं जिससे कि एक न एक दिन वो पाप मूर्त रूप में सबके सामने आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से वाणी भी होती है। कई बार हम बोलते समय इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि सुनने वाले पर इसका क्या प्रभाव होगा, कहीं इससे किसी प्रकार के पाप का जन्म तो नहीं हो रहा, अन्यथा एक दिन वो पाप हमारे सामने आ ही जाता है। ठीक इसी प्रकार से कर्म भी होते हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो इन्हीं कार्यों के आधार पर पाप अथवा पुण्य का जन्म होता है जो आगे चलकर हमारी नियति निर्धारित करते हैं। अतः हमें मन, वाणी और कर्म से पाप रहित रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों माता ने अगला प्रश्न पूछा। वे बोली, महादेव कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि वो क्या है जो मनुष्य की सफलता में बाधा बनता है। उन्होंने कहा, दोषदर्शी भवित्तता यत्र स्नेह प्रवर्तते
अनिष्टे नान्विदम् पश्चेद् यत्रम् शिप्रम् विराजयते, अर्थात मनुष्य का मन हमेशा अनुकूल की चाह में रहता है और जैसे ही उसे कुछ अनुकूल परिस्थिति मिलती है वो उस पर आशक्त हो जाता है, वो उससे अपना मन लगा लेता है। वैसे ही अनुकूल परिस्थिति या प्रीति किसी भी रूप में हो सकती है। ये कोई व्यक्ति हो सकता है जिस पर आप मोहित हो गए हो, या फिर कोई वस्तु जैसे मकान या कोई स्थान भी हो सकता है। बस इसी लगाव को भगवान शिव मोह बाधा अथवा जाल कह रहे हैं। वे कहते हैं इस मोह से छूट पाना संभव नहीं, लेकिन जब यह मोह हमारी सफलता या विकास में बाधा बन जाए तो शीघ्र अति शीघ्र हमें उस व्यक्ति वस्तु या उस परिस्थिति में दोष या बुराई ढूंढकर इस मोह के जाल को तोड़ देना चाहिए, ताकि सही अर्थों में हम सफलता को प्राप्त कर सके। तदनंतर माता ने आगे कहा, स्वामी आप मुझे ये बताइए कि कोई मनुष्य ऐसा क्या करे जिससे कि उसे कभी दुख का सामना ना करना पड़े। शिव जी बोले, नास्ति तृष्णा समम दुखम नास्ति त्याग सम सुखम, अर्थात मनुष्य की तृष्णा यानी कि इच्छाओं से बड़ा कोई और दुख नहीं व इन्हें छोड़ देने से बड़ा कोई और सुख नहीं। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि हम मनुष्यों के दुखों का मुख्य कारण हमारी अनंत इच्छाएं हैं। ये इच्छाएं हमें सदा ही असंतुष्ट व दुखी करती है। असल में इच्छाओं का स्वभाव ही अतृप्ति है। जैसे ही हम एक इच्छा को पूरी करते हैं दूसरी इच्छा तुरंत हमारे मन में पैदा हो जाती है। फिर जब तक हमारी वो इच्छा पूरी नहीं होती तब तक हम दुखी रहते हैं। वह जैसे ही हमारी वो इच्छा पूरी हो जाती है वैसे ही हम नाम मात्र की प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं व अगले ही पल कोई नई इच्छा को पकड़कर दुख अनुभव करने लगते हैं। अतः इन इच्छाओं के संदर्भ में भगवान शिव कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं व इच्छाओं में अंतर को समझते हुए अनावश्यक इच्छाओं का त्याग कर मन को स्थिर करते हुए शांतिपूर्वक जीवन बिताना चाहिए। बस केवल तभी हमें दुखों से मुक्ति मिल सकती है। और इस प्रकार से दोस्तों महादेव ने मनुष्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए 5 रहस्यों को माता के समक्ष उद्घाटित किया था। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतीकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार।